A magnetic needle free to rotate in a vertical plane parallel to the magnetic meridian has its tip down by down at 60 degree with the horizontal. The horizontal component of the Earth's magnetic field at the place is known to be 0.4 Gauss. Determine the magnitude of the Earth's magnetic field at that place. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 24, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसे दिखाया जाता है. इसके यहाँ बनाते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट, और ये जो होता है वो रिजल्टेंट होता है. और ये जो इनके बीच में एंगल होता है रिजल्टेंट बी आर और बी एच के बीच में, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप. और यही हमें 60 डिग्री दे रखा है. हमको निकालना है मैग्नेट ऑफ अर्थ मैग्नेट फील्ड, बी आर निकालना है. तो आप बहुत सिंपली कर सकते हैं कि बी एच होता है बी रिजल्टेंट कॉस डेल्टा. तो ये कितना दे रखा है 0.4 गॉस, बी रिजल्टेंट निकालना है, और ये कितना दे रखा है 60. 0.4 इंटू 2 इज इक्वल टू बी रिजल्टेंट. सो बी रिजल्टेंट आ गया 0.8 गॉस. दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन. अब और वाला पार्ट कर लेते हैं. An aeroplane is flying horizontally from west to east with a velocity of 900 km per hour. Calculate the potential difference between the ends of its wings having a span of 20 meters. The horizontal component of the Earth's magnetic field is 5 into 10 power minus 4 Tesla. BH दे रखा है and the angle of dip is 30 degree. Delta भी दे रखा है. West to east जा रहा है. तो मान लीजिए एरोप्लेन है, ऐसे भेजा हमने वेस्ट टू ईस्ट. तो अगर हमने इसको वेस्ट इसको ईस्ट ले लिया है तो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा. ये तो पता ही होगा आपको. अगर आप वेस्ट ईस्ट ईस्ट निर्धारित करते हो नॉर्थ कैसे पता करते हैं, आई होप आई नो यू नो दैट. नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है अर्थ का वो हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है. द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जो हमको गिवन है. दिस इज द बी एच साउथ टू नॉर्थ. वर्टिकल कंपोनेंट होता है ये बी वी, और इनके बीच में ये देखो ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, इनके बीच में होता है डेल्टा. ये रिजल्टेंट और ये होता है डेल्टा. नोटिस करें हमने मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन किया था. जब ये रॉड एंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड से दो चीज़ें परपेंडिकुलर होती हैं, एक तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और लेंथ ऑफ रॉड भी परपेंडिकुलर होती. अगर आप टेढ़ा भी ले जाओगे ना रॉड को, एक क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी का जब कभी आएगा देखना, अगर रॉड को टेढ़ा भी ले जाओगे ना तो भी यही लेंथ केवल इंक्लूड की जाएगी, ये लेंथ किसी काम की नहीं होती है. ध्यान रखना मोशनल ईएमएफ में जो हम फॉर्मूला लिखते हैं ना बीएलवी, उसमें लेंथ और वेलोसिटी दोनों मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होनी चाहिए. अब हमारा जो प्लेन है वो ऐसे जा रहा है तो उसकी विंग्स कैसे हैं भाई? विंग्स तो ऐसे हैं, प्लेन ऐसे जा रहा है तो प्लेन की विंग्स तो ऐसे बनाई जाती हैं, यस और नो? तो ये लेंथ ऑफ द रॉड है या 20 मीटर जो हमें दे रखा है, यस और नो? तो हमारा लेंथ और वेलोसिटी दोनों ही परपेंडिकुलर होना चाहिए. देख लो भाई वेलोसिटी इधर है ईस्ट की तरफ, लेंथ ऐसे है, ये दोनों एक प्लेन पर है. मैं दिखाता हूँ, ये पेन मेरा वेलोसिटी है और ये मेरी लेंथ है, ये विंग्स ऑफ एरोप्लेन है. तो बताइए परपेंडिकुलर कहाँ होगा इन दोनों के? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर. और कहीं हो सकते परपेंडिकुलर भाई? इसी प्लेन पे परपेंडिकुलर गिनोगे अगर इस रॉड के लिए तो इससे परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा वेलोसिटी से. ऊपर या नीचे ही हो सकता है. अब मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे ही होगी ना, ऊपर तो होगी नहीं है ना, क्योंकि हमें क्लियरली मेंशनड है कि एंगल ऑफ डिप ऐसे है टेढ़ा है तो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे होगा. तो ध्यान रखें जब भी आप एरोप्लेन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हमेशा ध्यान रखने, फिक्स मान लो इसको ईएमएफ का फॉर्मूले में, हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा क्योंकि एरोप्लेन हमेशा ऐसे ही उड़ता है, ऐसे
और परपेंडिकुलर फील्ड हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट ही होगी, एयरप्लेन ऐसे या ऐसे नहीं उड़ा उड़ता, लैंड करते वक्त चढ़ते वक्त अलग बात है, लेकिन एरोप्लेन जब उड़ेगा हमेशा ऐसे तो उसकी जो विंग्स होंगी उसके नीचे जा रही होगी फील्ड। और ध्यान रखिए एरोप्लेन अगर साउथ टू नॉर्थ भी उड़ रहा है ऐसे, अगर एरोप्लेन ऐसे भी उड़ रहा है, देखो अगर ऐसे भी उड़ रहा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर होनी पड़ेगी, क्योंकि लेंथ से परपेंडिकुलर होना जरूरी है मैग्नेटिक फील्ड का, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होना जरूरी है मैग्नेटिक फील्ड का, और लेंथ और वेलोसिटी हमेशा इस कागज से प्लेन पे ही रहेंगे ना, तो फील्ड को कहाँ होना पड़ेगा, या तो अंदर या बाहर, ठीक है? तो इसीलिए हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट ही लिया जाता है एरोप्लेन के क्वेश्चन में। मान लो इस रट लो इस बात को, एरोप्लेन के क्वेश्चंस में आप हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, सोचना ही नहीं है। इसका मतलब आप मान के चलिए कि यहां पे बिलीफ साइन डेल्टा लेके चलो, क्योंकि आफ्टर ऑल बीवी होता क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन डेल्टा। तो मैं तो बच्चों को ये बोलता ही हूं कि बीएलवी साइन डेल्टा लेके चलो, जनरल फॉर्मूला, क्योंकि अगर आप पोल्स पर हैं या इक्वेटर पर हैं तो ये अपना भी जीरो हो जाएगा, वो अलग बात है, गिवन होगा, डायरेक्ट रख दोगे। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रखी है, हॉरिजॉन्टल दे रखी है, ये एक फॉर्मूला है, आप ध्यान रखें, सवाल आप कर लेते हैं सॉल्व। हमने सीखा कि एयरप्लेन वाले क्वेश्चन में केवल और केवल वर्टिकल कंपोनेंट ही लिया जाएगा, और कोई नहीं। उस लिहाज से ईएमएफ निकालने चलेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट ये एल इंटू वी, खोलोगे वर्टिकल तो साइन डेल्टा आ जाएगा, बताने दो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया तो टेन डेल्टा से निकाल लो, बी वी बाय बी एच, तो बी वी आ जाएगा बी एच टेन डेल्टा, तो यहाँ रख दीजिए। अगर आपको बी एच दे रखा है तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे ना, अननेसरली बी नहीं को निकालोगे साइन डेल्टा रखने के लिए, तो बी वी की जगह लिखो अब दिया है तो इस्तेमाल करो डेटा का, टेन डेल्टा इंटू लेंथ इंटू वेलोसिटी। सो वॉट इज बी एच, हमें दे रखी 5×10⁻⁴ उस जगह पर, ये बोला गया है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 5×10⁻⁴ टेस्ला, वहां पर एंगल ऑफ डिप 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री, लेंथ 20 है, और वेलोसिटी जो है वो 900 किलोमीटर पर आ रहा है। सो इसको आप 5/18 से मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। चलिए 5×10⁻⁴ × 1√3 × 20 × ये 50 250, ओके 25×2 = 55,000 आ जाएगा, 5000 × 5 = 25,000, 10⁻⁴ × 1√3 होता है 0.57, ये रटिए 1/√2 होता है 0.7, 1/√3 होता है 0.57, बाकी सारे आ जाएंगे फिर इसके बाद। एनीवेज ये तीन गए, ये यहाँ प्लस हो गए, तो 25×0.57 10⁻⁹, 25×57 कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा 125, करीब करीब 14 के आसपास आ रहा है, क्योंकि 6 होता तो 150 आ जाता, तो मैं करीब करीब 14.6 ले लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली माइनस वन, माई आंसर इज 1.46 वोल्ट, दैट विल बी द राइट आंसर।